Mentally? Mentally, he is quite normal. Normal. मतलब किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी को दिखाया उसको है आपने? हम वैसे हमारे प्रोसीजर में है कि हम फिर भी इसका वहाँ से एग्जाम कराकर और इसको वहाँ से उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन है ठीक उसको हम लेंगे. ओके okay. क्या क्या दफा लगती है इस पर? इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुरमती करना, लाश की बेहुरमती करना. ठीक है. फिर उसके बाद हमने 376 लगाई है, ये जिनाबिल जबर के उसमें आती है. ठीक है. 297 जो इसके अंदर जो इंतहाई सजा है वो एक साल, यानी कि लाश की बेहुरमती करने की एक साल सजा है सिर्फ. फिर आपने एक और इस पे लगाया अननेचुरल ऑफेंस. ये 377 है कि जो इंसान की फितरत से हटके जो अमल हो वो अननेचुरल ऑफेंस होता है, और इसने इसी किस्म का अननेचुरल ऑफेंस जो है ये इसके साथ किया डेड बॉडी. 354A लगा. ये इफ्फत में खलल है कि किसी भी डेड बॉडी ख्वातीन खासकर उनकी बेहुरमती इसमें आ जाती है कि इफ्फत में खलल उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज को, तो उसमें इफ्फत में खलल में आ जाता है. तो डीएसपी साहब, ये इस शख्स से अगर आप मुलाकात? बिल्कुल कराते हैं आपकी मुलाकात, बिल्कुल कराते हैं. मोहम्मद रियाज. क्या उम्र है? 27 साल. 27 साल. अच्छा. और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोधा. तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? हाँ जी, मजदूरी के लिए आया था, यहाँ पे काम करने के लिए. क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ. कब्रों को पानी वानी? जी हाँ. मालिक कितने अर्से हो गए? 16-17 साल हो गए. 16-17 साल हो गए. अच्छा. यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरखन था, मैं पानी डालता था. वो कैसे मैया दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे. दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था. तुम भी उसके साथ होते? एक एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता तो करते थे समझो. तुम कब्र खोते थे अंदर जाते थे? और कब्र खोते थे, स्लेप हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेप हटाया, स्लेप कब्र की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे, पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कब्र में अंदर मुड़ देते थे, लड़की होती थी. कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साथ हो गए. 48 खवातीन. अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे खोदे अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे ऐसे मैं निकला, तौबा माफी मांगा, मैंने बोला अंदर बाद ना मैं ये नहीं करूंगा. तौबा मांगी जी अल्लाह से, खौफ आया, मैंने बोला अंदर बाद नहीं करूंगा. कैसे तुम, मैं मतलब किस तरह कैसे किया तुमने, किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस. क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है? तुम ये कह रहे हो एहसास है? एहसास है जी, एहसास है, और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है. जी हाँ, एहसास है. तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसा ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहन और बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था. किसकी बातों में आके? वो लड़के की. वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया. कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है. किसके बाद? समझो जो 48 वाक्य किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है. वो रोन जी चरस पी रहा था, रोनी में लगा था. इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी. 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले समझो करवाई, 8 साल हो गए इस बात, उसके बाद मरा था वो. उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो. 9 साल पहले मरा है वो. उसके बाद तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने. 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद, और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई किया है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया फिर. नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की?
उसके बाद एक कार्रवाई की थी। हाँ बस एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना, तुमने कार्रवाई शुरू की उसके साथ शुरू की? उसके साथ शुरू की तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल उसको, 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। चले तो 2.5 साल पहले मरा होगा, 2.5 साल पहले मर गए, 2.5 साल हो गए थे, 2.5 साल हो गए वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयाँ की? जी हाँ। सच बोलो भाई, क्या कह रहे हो भाई, सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ ठीक है, जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 महीने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके शुरू समझो, ये वन जाते थे जैसे मैं दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो, हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो दोनों ने मिलके। जी हाँ 48। ठीक है, वो मर गया, तुम लगे रहे? हाँ मैं करता रहा उसके बाद। तुम उसके घात करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना। हाँ कितने हो गए ये समझो, 48 के साथ मैंने किया, उसके बाद फिर एक वाक्य मेरे साथ हुआ था, आखिरी जो आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा, आखिरी जो हुआ वो समझो मैं कैसे कबर खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया कबर की तरफ से, अंदर गया पीछे स्लेब हटाया तो उसकी आंखों से रोशनाई हुई समझो, रोशनाई उसके मरने के बाद। तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया, काफी किए मैंने, 4 किए थे। 4 किए हैं या काफी किए हैं, कितनी किए हैं सोचो, एक सेकंड ले लो सोचो और सोच के बोलो कितनी की है। सजा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफा होनी है, चाहे एक की है या 48 की है या 60 की है, उसके मरने के बाद कितनी की है? शुरू कराने वाला तुम्हें कौन था? ये मैं गोरखा था, ओ वजीरा था, वजीरा था। जी हाँ। उसके साथ मिलके जो तुमने कार्रवाइयां की है, मिलके जो की है, मिलके जो 48 की है या 50 की है वो क्लियर बताओ ना, कि 48 की है 50 की है, उसके मरने के बाद जो तुमने की है, 2 किए 4 किए 10 किए, तो उसके मरने के बाद जो किए अकेले जो किए, अकेले जो किए हैं, 2 हैं 4 हैं 5 हैं वो आप बताओ मैडम। वो मैंने 2 किए। मैं नहीं मानती। नहीं 2 किए। मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल, उसके बाद मैंने गलती और माफी तौबा, मैं मानती ही नहीं हूँ ये बकवास बात। नहीं मैं उसके बाद यकीन करना, मैं अल्लाह को भी हाजिर देना और मौत देनी है, जिंदगी देनी है उसके अगर बाद तुम्हें मौत देनी होती ना, मैं बहुत परेशान अगर तुम्हें किस पल ये परेशान हो, अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते, खुदा का खौफ करो, तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। शर्मिंदा हूँ मैं, ऐसा बहुत हो गया लेकिन शर्मिंदा हूँ। क्या करे तुम्हारी शर्मिंदगी का, उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जवाब देना बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना अल्लाह को हाजिर ध्यान देने नहीं, 50 काफी नहीं थी, और भी करना चाहते थे? नहीं अगर नोर में बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके बाद माफी तौबा, छोड़ो माफी तौबा, देखो माफ करने वाला तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला किसको माफ करता है किसको पकड़ता है इसमें हम नहीं बात कर सकते, ठीक है? हम तो इस वक्त इंसानियत पे बात करेंगे कि तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो? नहीं इंसान समझते, इंसान समझते हो जी। इंसानों वाले कौन सा काम किया तुमने? इंसानों वाला काम नहीं किया है, तो जानवर ही हुए ना तुम? जी हाँ जानवर, जानवर ही हुए ना। तुम्हारी बहनें हैं? जी हाँ बहनें हैं। जिंदा है? जी। ठीक है, अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम, क्या करोगे उस आदमी के साथ? जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से, जान से मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुरमती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि बस अभी सजाए मौत भी हो सकता है, और अपना मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि गलती के मैं अपना सांस करता हूँ उसमें है कि बहुत मेरा कुछ हो गया, शर्मिंदा भी हूँ और काफ़ी, और मेरे बहुत तौबा भी मांगता हूँ अल्लाह से, और बहुत दिन के बाद मैंने बस तौबा भी माफ़ी मांग ली कि इंदा के बाद इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा, जो हो गया हो गया, जो हो गया वो हो गया, अभी इंदा बाद कुछ भी मैं नहीं करूँगा। नहीं 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 नहीं, बस तौबा मांगता हूँ अल्लाह से और मदतर चाहता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, जो हो गया बस हो गया इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तालीम वालीम नहीं है? कुछ भी नहीं है। कलमा आता? जी हाँ। नमाज पढ़ते हो? जी। कलमा पढ़ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि अभी बस सजा अपनी मांगता हूँ, लेकिन ये है कि जो हो गया अभी हो गया। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि अपने आप को समझो फांसी के लिए भी तैयार हूँ, जो मेरे बहुत शर्मिंदा और इसकी वजह से मैंने किया बहुत गलत किए, अल्लाह हाजिर और आज देना। अभी ये है कि तौबा ही मांगता सुलह ही करता हूँ, और गलती हो गई थी, गलती एक दफा होती है,
غلطی دو دفعہ ہوتی ہے, غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یقین کرنا کچھ میں نے دو دفعہ واقعی کیا, اس کے بعد میں نے کوئی اس سے واقعی اللہ سے توبہ مانگ لی. 50 سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکے ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. باتیں کیسے کر رہے ہو تم؟ تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے. نہیں شرمندگی ہے, شرمندگی تو چھوڑو, تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہوا ہو؟ نہیں. یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا؟ یہ وہ کرانے والا وہی تھا, اس کی وجہ سے میرے سے بھی سمجھو آ گیا, دماغ میں آ گیا, پتہ نہیں چلے ایک دم سمجھو شروع میرے سے بھی ہو گیا تھا. کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچا؟ نہیں. ہاں پاگل جو نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل. ہوش و حواس میں کیا نا؟ پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا, بس ہاں بالکل پتا تھا نا. پتا قبر کھودنا, سلیب بنانا, خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا اور جی ٹارچ لگانا. ہاں بالکل. اور تمہارے اندر دل ہے؟ تم اندر قبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے؟ عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر جیسے دفنے, جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا, اس سے پتہ چل جاتا تھا, اسے سمجھ جاتا تھا کہ یہ عورت ہے. یہ تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں, تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے, اور تم بہنوں والے ہو. میں حیران ہوں اس چیز پر. غلطی ہو, معافی ہوگی, بہت ماتر جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہو گیا ہوگیا, ان شاء اللہ اللہ کرے گا کہ کام ہی نہیں کریں گے قبرستان, ان شاء اللہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کچھ قبرستان کیا کرو گے تم؟ قبرستان جانا چھوڑ دیں گے؟ زندہ چھوڑ دیں گے؟ تمہیں مار دیں گے, میرے کو کون بچتا تھوڑی. مطلب ایسے کہہ رہے جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی سے موٹر سائیکل چھین کے آیا ہو؟ اس کو معافی گائے گا, بس اللہ معاف کرے, بس وہی بول رہے ہیں. نہیں, اور اپنی بہن کا جب, اپنی بہنوں کا اور اپنی بھابھی کا جب میں نے تم سے سوال کیا تو اس کے لیے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے, میں ان کو قتل کر دوں گا. نہیں نہیں, ان کو کن کو؟ تمہارے گھر میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ ہاں اس کو یہی ہوتا کہ آپ نے بھی یہ کہ اس کو مار دیتے, کیسے اس نے کیا, ایسے بہت بندے ایسے کہ اس کو مار دو جان سے, ختم کرو. تم ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں, تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کا ہی ہے سمجھو, کیسے ہم لوگ یہ مار دینا چاہیے اور سزا کے لیے تیار ہیں. کس قسم کی سزا؟ سزائے موت ہونی چاہیے تمہیں؟ جی ہاں. تمہارا دل دھڑکا نہیں, تمہارا دل بند نہیں ہوا؟ کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا, تمہیں مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ خوف نہیں آیا تمہیں؟ خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. جس قبر کا کس سلیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت, اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا, اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے, تم کلمہ گو تھے, اپنی زندگی کیسے گزاری, میرے لیے کیا کیا. وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا اور تم اس کے جسم کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی, دل نہیں لرزا تمہارا؟ میں بہت میرے سے ہو گیا, برا کیا, اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توبہ مانگتا ہوں, سزا کے لیے بھی تیار ہوں. ایسا کیوں کیا میں نے؟ اور اپنا آپ سے بھی ماتر جاتا ہوں, جو میرے سے بہت غلطی ہو گئی, اللہ سے ان کے ساتھ بھی, ان سے بھی تو معافی, اللہ سے, اللہ سے تو معافی مانگو ہی مانگو, لیکن مانگو معافی اس ماں سے, اس بیٹی سے, اس بہن سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا. جی ہاں بالکل. جس کو پاک کر کے گھر والوں نے, ایک ان کا پیارا چلا گیا, ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئیں, ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پہنا کے دلوں پہ پتھر رکھ کر, ان کے بھائی, ان کے والد ان کو تدفین کر کے قبر میں اتار کے گئے, اللہ کے سپرد آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کی آخری آرام گاہ پہ بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. مجھے پتا ہے میرے والد کا انتقال ہوا ہے, ابھی میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا میں نے اس قبر میں جانا ہے. تم جانور ہو, جانور تم آدمی ہو ہی نہیں, تم جانور ہو.